को हिला देने वाली भविष्यवाणी सुनकर हैं सभी हैरान। क्या सच में राम मंदिर पर हमला होने वाला है? क्या भविष्यवाणी की गई है राम मंदिर के ऊपर? कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हुई है और कौन कौन सी भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आ रही है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भगवान श्री राम, उनकी जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर, ये तीनों ही आज सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ये वो समय चल रहा है दोस्तों कि जब सनातनियों की शान अयोध्या और राम भक्तों की जान मान और शान श्री राम उनके भव्य भवन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। जहां देखो वहां केवल रामलल्ला की सुंदरता को, उनके भवन की खूबसूरती को ही निहारा जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस खास पल के इंतजार में राम भक्तों ने कितने दुख और कितनी पीड़ाएं सही हैं। अपने राम लल्ला को उनकी जन्मभूमि तक ले जाने के लिए राम भक्तों ने बरसों मेहनत की, तब जाकर पूरा देश और दुनिया 22 जनवरी को वो सुनहरा दिन देख पाई जब राम लल्ला अपने विशाल और भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आप सब जानते होंगे कि राम मंदिर के विरोधियों ने हर वो कोशिश की जिससे राम मंदिर के निर्माण को रोका जा सके। कानूनी कार्यवाही से लेकर लोगों की जान लेने तक पर लोग उतर आए ताकि किसी तरह से हिंदुओं को राम जन्मभूमि ना मिल सके। लेकिन जैसे ही 2019 में राम जन्मभूमि के पक्ष में कोर्ट से फैसला आया तो हर वो भक्त जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंसू बहा बहा कर अपने प्राणों को त्याग दिया, उन सभी को आत्मिक सुकून मिला। राम मंदिर के आंदोलन में जान देने वाले की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि यह हजारों में थी, जिनमें कई परिवार नष्ट हो गए। वहीं जो कार सेवा के लिए निकले थे उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसका दोष तो केवल यही था कि वो अपने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मांग रहे थे जो सैकड़ों साल पहले उनसे छीन ली गई थी। खैर, राम मंदिर के बनने से आज हर राम भक्त खुशी से झूम रहा है। वहीं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानी दी थी वो भी अपनी कुर्बानी को जाया नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर जितना भक्तों की आंखों को सुकून दे रहा है उतना ही दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जिन्होंने राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपना सारा दम लगा दिया वो मंदिर बनाने के बाद कैसे मान सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो हाल ही में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को ही देख लीजिए जिसने भारत में हमला करने की धमकी दी है। यहां अगर हम कहें कि इन सभी बातों के लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है तो ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे ही शब्द होंगे आपके, लेकिन आपने भविष्य मल्लिका के बारे में तो सुना ही होगा जिसे संत अच्युत्यानंद दास जी ने लिखा था। उनके द्वारा लिखी गई भविष्य मल्लिका में कई ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आने वाले भविष्य में ये होना पक्का है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य मल्लिका ने तो पहले ही राम मंदिर के बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन भविष्य मल्लिका में जो लिखा है उसे डिकोड कर पाना आसान नहीं है। लेकिन जब ये भविष्यवाणियां पूरी होने लगती हैं तब समझ आता है कि इसमें क्या लिखा है, और इन भविष्यवाणियों को सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये हो सकता है और कुछ हद तक तो हो भी चुका है। तो चलिए पहले जान लेते हैं आने वाले भविष्य के लिए संत अच्युत्यानंद दास जी की भविष्य मल्लिका क्या भविष्यवाणी करती है। इन भविष्यवाणियों को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो जानने से पहले, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भविष्य मल्लिका में जो भविष्यवाणियां दी गई हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है कि साल के अंत यानी 2024 के अंत तक हमें यूरोप के देशों में हमले, लड़ाई और भयंकर तबाही शुरू होती देखने को मिलेगी। वहीं इस दौरान रूस और अमेरिका में भी युद्ध छिड़ने की संभावना है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय दुनिया के कई देश युद्ध का मैदान बने हुए हैं। खैर, ये बात अलग रही, लेकिन ऐसे ही ये युद्ध बढ़ते बढ़ते इतने लंबे समय तक चलेगा कि जनसंख्या का आंकड़ा सिर्फ 24 करोड़ ही रह जाएगा। इसके अलावा भविष्य मल्लिका के अनुसार चीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, वहीं रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आने वाले साल 2025 के बाद का समय आतंक के समान होगा।
इसके अलावा सबसे हैरान और चौंका देने वाली भविष्यवाणी तो ये बताई गई है कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वो योग्य पुरुष होगा। यानी इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये निशाना कहां जा रहा है। असल में यहां दो बातें हो सकती हैं, जैसे पहले नरेंद्र मोदी जी जो खुद एक योग्य पुरुष हैं और ना ही उनकी कोई संतान है, वहीं दूसरे योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब अंतिम समय आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां हमने अंतिम समय की बात क्यों की है, तो इसके लिए भी भविष्य मलिका में एक भविष्यवाणी है जो राम मंदिर से रिलेट भी करती है। दोस्तों, भविष्य मलिका में एक चौपाई का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि 24 अंकरे अयोध्या नगर बिहार में रघुनाथ कली शेष हेब सत्य प्रकाशब अनंत युग युग भोगिब। इसका मतलब हम समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि 24 अंक में अयोध्या नगर में रघुनाथ विराजमान होंगे और कलयुग खत्म होता रहेगा और अनंत युग आता रहेगा, सत्य सबके सामने आएगा। यहां सत्य का मतलब उन लोगों के लिए है जो अब तक कलयुग की आयु को 4,32,000 ही मान रहे हैं, ये उनके लिए कलयुग के अंत का चिन्ह होगा। इन सब बातों से साफ सीधा मतलब ये निकलता है कि भविष्य मलिका में 24 अंक का मेंशन किया गया है, जिसका मतलब हम सब जानते हैं कि 2024 में अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और इससे हमें यह भी संकेत मिलता है कि भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है या फिर हो चुका है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भविष्य मलिका साफ बताती है कि कब भगवान राम का मंदिर बनेगा, जो सच भी हुआ। यानी भविष्य मलिका द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए यहां ये भी जान लेते हैं कि भविष्य मलिका हमले के ऊपर क्या भविष्यवाणी कर रही है। भविष्य मलिका के अनुसार 6+7 ये दो अंक जब जुड़ते हैं तो 13 आता है, वहीं 13 में एक और 13 जोड़ने पर 26 आता है। इन अंकों के अनुसार संत अच्युत्यानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमलों के बारे में जानकारी दी है, जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि कई इस्लामिक देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे और तबाही होना शुरू हो जाएगी। साथ ही बताया गया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में संकट आना शुरू हो जाएंगे। और भविष्यवाणी है 2024 में शनि कुंभ में से मीन राशि में जाने वाले हैं। इन सब से तो आप समझ ही सकते होंगे कि कैसे हो सकता है कलयुग का अंत। यही नहीं, भविष्य मलिका के अनुसार बताया गया है कि जब चीन और इस्लामिक देश मिलकर हमला करेंगे तभी भारत के मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा। इस तरह भविष्य मलिका में बताया गया है कि पाप बढ़ता जाएगा, आस्तिक कम और नास्तिक बढ़ते जाएंगे, इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। वहीं हैरान करने वाली भविष्यवाणी तो ये है कि भगवान जगन्नाथ धाम पूरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे और मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा। हाल ही में दोस्तों भगवान जगन्नाथ के ध्वज के जलने और गिरने की घटना खबरों में आई थी। इन सब से आप समझ सकते हैं कि संत अच्युत्यानंद दास जी द्वारा लिखित भविष्य मलिका कितनी हद तक सच साबित हो रही है। यही नहीं, अंतिम राजा की जो भविष्यवाणी थी उसका संयोग ही देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि योगी पुरुष ही अंतिम राजा होगा। हालांकि बीजेपी में इस पोस्ट के लिए कई नेता हैं, लेकिन जनता की मांग तो योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। और देखा जाए तो मोदी जी और योगी जी दोनों ही योगी पुरुष हैं। इन सब के अलावा भविष्य मलिका बताती है कि केवल अंत में वो सूर्य जो लोगों को जीवन देता है वही लोगों की जान लेने लगेगा। वही महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ हाथ में 12 हाथ की तलवार लेकर पूरी धरती का दौरा करेंगे और ऐसे लोगों को नष्ट करेंगे, यानी जिन्होंने अपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हों, गुस्सा और हिंसा करते हों, ऐसे लोगों को भगवान का संहार झेलना पड़ेगा। इस तरह के कई भविष्यवाणी भविष्य मलिका में देखने को मिलती है जो कलयुग के अंत को बताती है। सो आपको ये सभी जानकारी जानकर कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।